All right, so a very good evening, everyone. Welcome to JK Exam Cracker. I hope I am completely audible to all of you. And class start करने से पहले really sorry, class आज 10 minutes late है. There was some technical issue जिसमें class start करते हुए मैं थोड़ा सा time लग गया. ठीक है ना? So आज का मैंने आप लोगों को topic कल की class में ही बता दिया था. The topic is modals. आज हम verbs, modals के basis पे कुछ MCQs करने वाले हैं. कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. इज दिस ओके फॉर जेकेपी जेके पुलिस रिटन एग्जाम? यस, इट इज कम्प्लीटली इन द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द पैटर्न. यहाँ लिखा हुआ है जेके पुलिस, FAA, VLW और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए ये वाली क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं. राइट, ये चीज हो गई, मोडल्स पे करने वाले हैं. और एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा क्लास में बता रही हूँ कि अभी हमारा नवरात्रि ऑफर चल रहा है ऑन ऐप. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मॉक टेस्ट और एनी अदर कोर्स ऑन अवर ऐप, आप लोग हमारी ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो. एंड देर आर ऑफर्स अवेलेबल. ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन. चलिए, लेट्स बिगिन द क्लास टुडे. और क्लास स्टार्ट करने से पहले ऑफलाइन क्लासेस का जिसको भी क्वेरी है, बिकॉज आप में से ही कुछ लोग होंगे जो कंटिन्यूसली कॉल्स कर रहे हैं रिगार्डिंग अवर न्यू बैचेस. तो बैचेस ऑफलाइन क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे 6th of October. ऑलराइट, चलिए, सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक. आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. कल की पीडीएफ नहीं मिली? ओ यस, कल की पीडीएफ आपको नहीं मिली है, बट कंप्लीटली फाइन. आज मैं आप लोगों को दोनों पीडीएफ एक के साथ भेज दूंगी. ठीक है, पुलिस नहीं, बॉर्डर बटालियन. हाँ, बॉर्डर बटालियन में भी जनरल इंग्लिश है. कोई भी एग्जाम दो इंग्लिश का, दीज क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. सब जेके एस एस बी एग्जाम्स के लिए, इवन फॉर सेंटर एग्जाम्स, क्योंकि बेसिक्स तो आपको हर जगह क्लियर करने हैं, तो सबके लिए इंग्लिश के चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को क्या बतानी थी, व्हाट यू आर आस्किंग, पीडीएफ. यस, तो पीडीएफ आप लोगों को कल का भी नहीं मिला, आज और कल का एक साथ आपको पीडीएफ भेज दूंगी. ठीक है, हाँ जी, तो आंसर मिलना शुरू हो गया है. मस्ट, वेरी नाइस. चलो, तो लेट्स सी क्या आंसर है इन क्वेश्चंस का. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही डैश बी वेरी टायर्ड, ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग. वो पक्का बहुत टायर्ड होगा, वो पूरे दिन वर्क काम करता रहा है. तो यहां पर क्या होगा, जब भी हम क्या करते हैं, एक तरह की काइंड ऑफ प्रिडिक्शन करते हैं. ठीक है, प्रिडिक्शन मतलब हम काइंड ऑफ पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि पक्का ऐसा होगा, पक्का वैसा होगा, पक्का ये चीज हुई होगी. तो हम जब अंदाजा लगा लेते हैं तो उस वक्त जो हमारी वर्ब यूज होती है, दैट मोडल वर्ब यूज होती है, वो मोडल वर्ब कौन सी होती है, मस्ट बी. मस्ट बी का मतलब जैसे मैं बोलूं वो पक्का बहुत इंटेलिजेंट होगा, ही मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट होगा, वो पक्का बहुत थका हुआ होगा, ही मस्ट बी वेरी टायर्ड, इस तरीके से. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड. तुम्हें रुक जाना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो रेड होती हैं. ये हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में. तो यहाँ पर क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस. यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि शुड होना चाहिए, तो यहाँ पर शुड और मस्ट में एक बहुत स्लाइट सा डिफरेंट है. शुड हम कब लगाते हैं, जब हम किसी को एडवाइस करते हैं, मतलब कोई ऐसा जो सजेशन देने लायक कोई बात हो, किसी को कोई सलाह देने लायक कोई बात हो, ऐसी बातों पे हम लोग शुड लगाते हैं. लेकिन जब आप किसी ऐसी बात पे किसी को कोई कुछ कहते हो जो कोई रूल है, रेगुलेशन है, नेसेसिटी है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं. तो यहाँ पर यू मस्ट स्टॉप, बिकॉज ये एक रूल भी है कि ट्रैफिक लाइट्स रेड होंगी तो रुक जाना चाहिए, इट्स अ रूल, राइट. ये एक रूल भी है और ये नेसेसिटी भी है, कंपल्शन भी है. नहीं रुकोगे तो प्रॉब्लम होगी, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होंगे, राइट. सो ऑप्शन इज बी. आगे बढ़ते हैं, दोनों का आंसर मस्ट ही है यहाँ पर. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका और एक ही क्वेश्चन लाइक पैराग्राफ टाइप है, एंड इसमें दो ब्लैंक्स हैं आपके. दो ब्लैंक्स को फिल करने के लिए यू हैव टू ऑप्शंस अगेन, तो अकॉर्डिंगली अपना आंसर दीजिए. ध्यान से पढ़िएगा पूरा पैराग्राफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर देंगे.
क्वेश्चन क्या है? आई डांट स्पीक अरेबिक फ्लुएंटली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, वी लिव्ड इन मोरक्को. जब मैं छोटा था, हम मोरक्को में रहते थे, तब मैं फ्लुएंटली अरेबिक बोल सकता था. तो पहले वाले में क्या बोला है? पास्ट एबिलिटी की बात की गई है. तो जब हम पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं, हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? हम कुड लगाते हैं. तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आना चाहिए? कुड आना चाहिए. ऑप्शंस देखें तो कुड एक ही में है, हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, बट फिर भी हम ठीक कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं. बट आफ्टर वी मूव्ड बैक टू कैनेडा, आई हैड वेरी लिटिल एक्सपोजर टू द लैंग्वेज एंड फॉरगॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई न्यू एज अ चाइल्ड. उसके बाद जब हम कैनेडा मूव हुए तो मेरा लैंग्वेज के साथ एक्सपीरियंस बहुत कम रहा. कौन सी लैंग्वेज? अरेबिक. और मैं जो कुछ उसके बारे में जानता था, मैं ऑलमोस्ट सब भूल गया था. नाउ आई कैन जस्ट से अ फ्यू थिंग्स. कैन क्या बताता है? प्रेजेंट एबिलिटी. तो अब बोला नाउ आई कैन, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या है? कुछ ही चीजें बोल सकता हूं. तो कुड और कैन, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर वन सही है सबका. वेरी नाइस. आंसर नंबर क्वेश्चन थ्री का आंसर है फर्स्ट, कैन, कुड और कैन. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर. क्वेश्चन फाइव, ध्यान से आंसर दीजिएगा. एंड मोडल्स आर वेरी वेरी इजी टू डिटेक्ट. ऐसे कोई मुश्किल नहीं होते हैं जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है. आसान है, सिर्फ सेंटेंस का बिहेवियर समझना इंपॉर्टेंट होता है. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर क्या है. क्वेश्चन फोर इज नैन्सी डैश गो टू बेड अर्ली, टुमारो इज हर डे ऑफ. नैन्सी मस्ट नॉट गो टू, नीड नॉट गो टू, वुडंट गो टू और आरंट गो टू. तो क्या आंसर होना चाहिए इसको? बिल्कुल सही आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी. नैन्सी को बेड पर जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, कल उसको छुट्टी है, उसको जल्दी सोने की जरूरत नहीं है. तो जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, हम नीड या नीड नॉट टू लगाते हैं, राइट? तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी. मस्ट तो लग नहीं सकता क्योंकि कोई रूल तो है नहीं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, आई डिडंट नो यू नीडेड हेल्प, यू डैश मी, यू शुड टेल मी, यू शुड नॉट टेल मी, यू शुड हैव टोल्ड मी, नन ऑफ द अबव. बताइए फिफ्थ का आंसर. फिफ्थ का आंसर सम स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑप्शन सी एंड सम आर सेइंग ऑप्शन बी. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहां पर फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शुड हैव टोल्ड मी. मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था. ठीक है, बताना चाहिए था, कोई चीज होनी चाहिए थी. शुड हैव या आगे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है. कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव हमेशा बताते हैं इनकम्प्लीट पास्ट की एक्शंस, कि पास्ट में कोई चीज होनी चाहिए थी, कोई चीज हो सकती थी या कोई चीज करनी चाहिए थी, उसके लिए हम शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव लगाते हैं. तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या है? ऑप्शन सी, यू शुड हैव टोल्ड मी. वेरी नाइस. चल आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सेवन. क्वेश्चन नंबर सिक्स, इस तरह का पैटर्न हमने कल भी किया था क्लास में. देयर इज अ सेंटेंस इन फ्रेगमेंट्स, एक सेंटेंस को ए बी सी में डिवाइड किया है, फोर्थ है नो एरर. आपको जस्ट क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर. और एरर किस पे होगा? ऑब्वियसली वर्ब मोडल के बेसिस पे ही होगा. सिक्स्थ का आंसर मिलना शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी. सो लेट्स चेक इफ इट इज करेक्ट. वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स कैन बी सॉ, वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स कैन बी सॉ नहीं आएगा, कैन बी सीन आएगा, है ना. कैसे? देखो कोई भी मोडल वर्ब होता है तो उसके बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड फॉर्म कभी नहीं लगती, थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगती. अब यहाँ पे बी है, बी के बाद हमेशा क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर कैन बी, बी के बाद सर, सी, सॉ, सीन, थर्ड फॉर्म शुड बी देयर. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है सबका आंसर यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, सीन इन प्लेस ऑफ सॉ, करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? ही डैश बी गिवन वार्म वेलकम इफ ही विंस द टूर्नामेंट. अगर वो टूर्नामेंट जीतता है तो ही डैश बी गिवन अ वार्म वेलकम. ही विल बी, ही शैल बी, ही वुड बी और ही कुड बी. अब इफ वाला स्टेटमेंट देखो तो क्या है, ही विंस प्रेजेंट टेंस में. तो जब इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम मेन क्लॉज में क्या लगाते हैं, विल या सिंपल फ्यूचर, विल शैल. अब ही इज थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन के साथ जनरली हम विल लगाते हैं, शैल फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है. तो आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विल. ही विल बी गिवन अ वार्म वेलकम, करेक्ट. चलिए आगे बढ़े फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन. क्वेश्चन नंबर एट अगेन आपका एरर डिटेक्शन पर है और क्वेश्चन नंबर नाइन आपका दिस फिल इन द ब्लैंक्स है. तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर एट क्या है. संदीप मस्ट अटेंडेड द क्लास रेगुलरली एल्स ही विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द फाइनल एग्जामिनेशन. ओके, आप लोगों का आंसर मिल रहा है एट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, लेट्स चेक. संदीप सुदीप मस्ट अटेंडेड, वही चीज अभी मैंने बताई. कोई भी मोडल होगा, मोडल के इमीडिएटली आफ्टर हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. तो यहाँ पर अटेंडेड नहीं आएगा, क्या आएगा, अटेंड. संदीप सुदीप मस्ट अटेंड द क्लास. आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट डैश स्नो हेविली टुमारो. इट शैल, इट विल, इट मे और इट कुड. पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, बिल्कुल सही. जब भी हम पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि ऐसी चीज हो सकती है, होने के चांसेस हैं, वी यूज मे. ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, इट मे स्नो हेविली टुमारो. ऑप्शन हो गया सी. क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 बोथ फिल इन द ब्लैंक्स. देखो आंसर दो जल्दी से. वेरी नाइस. देखो स्पीक स्लोली लेस्ट यू डैश अवेक द चाइल्ड. आंसर मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए मोस्टली स्टूडेंट्स का. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्हेन वी यूज लेस्ट इन अ सेंटेंस, लेस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, नहीं तो, है ना, ये इसका मतलब होता है. तो लेस्ट इज ऑलवेज ऑलवेज यूज विद शुड. लेस्ट के बाद अगर कोई मोडल वर्ब लगता है तो वो हमेशा शुड होता है. बोलने में हमें अक्सर वुड, विल, कुड ये चीजें सही लगती हैं, बट नॉट करेक्ट. स्पीक स्लोली लेस्ट, लेस्ट मतलब नहीं तो, यू शुड अवेक द चाइल्ड. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पे बी और सी सेम है, ये देख लेंगे, करेक्शन हो जाएगी यहाँ पर. ठीक है, लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, एग्जैक्टली. क्वेश्चन नंबर 11. शी सेड दैट शी डैश बाय सम एग्स. She will buy some eggs, she shall, she would, she can. दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का. क्वेश्चन 11 का कुछ लोग आंसर दे रहे हैं will, कहीं आंसर मिल रहा है can. अब देखो यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, शी सेड दैट, शी सेड दैट मतलब पास्ट में चल रहा है ये सेंटेंस पूरा. तो विल, शैल, कैन प्रेजेंट वर्ब्स हैं. सिर्फ ये वाली वर्ब है जो आपकी किसमें है, पास्ट में. तो यू शुड यूज वुड हियर. ठीक है, जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं ना, नरेशन करते हैं, ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है. तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द यू नो इनडायरेक्ट सेंटेंस, यहां पर
वुड लगेगा, एक ही पूरी स्टेटमेंट चल रही है. तो शी सेड दैट शी वुड बाय सम एग्स, क्योंकि वुड विल का पास्ट भी होता है एज मेन वर्ब. ये विल का पास्ट यूज होता है, राइट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी. चल बढ़े आगे. क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13. देखो क्वेश्चन नंबर 12 वो 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका अगेन एक एरर डिटेक्शन सेंटेंस है, और क्वेश्चन नंबर 12 आपका एरर डिटेक्शन ही है. दोनों ही एरर डिटेक्शन है. वेरी नाइस, आंसर मिल रहा है ऑप्शन बी. देखो क्या बोला है, आई प्रोमिस आई कॉल यू एज सून एज आई गेट होम. अब यहाँ पे क्या होगा, आई प्रोमिस आई कॉल यू नहीं, आई विल कॉल यू. क्योंकि हमें एक चीज पता है कि जब हम विल यूज करते हैं तो विल क्या बताता है, प्रोमिसिंग बिहेवियर, डिटर्मिनेशन व्हेन इट इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, है ना. विल जब हम आई वी के साथ लगाते हैं ये प्रॉमिसिंग बिहेवियर दिखाता है. तो यू विल सिंपली यूज आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू. आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी. क्वेश्चन 13, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग. बताइए क्वेश्चन 13 में क्या एरर नजर आ रहा है आपको. एग्जैक्टली, यहाँ पर आई गेस एक ही स्टूडेंट है जिसने आंसर सही दिया है, और 2-3 स्टूडेंट्स. हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर है 8. सही बोला. यू मस्ट थॉट ऑफ, नहीं वही चीज जो हमने पहले बोली, मस्ट है या कोई मोडल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. यू मस्ट थॉट ऑफ नहीं, यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टुमारो मॉर्निंग, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए फॉर योर क्वेश्चन नंबर 13. देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस 14, 15. ओके 14 का आंसर मेरा ऑप्शन है, आई डैश ईट दैट इफ आई वर यू. मैं ये नहीं खाता अगर तुम्हारी जगह पर होता. इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस, है ना. जहां पे हम इमेजिन करते हैं खुद को किसी और की जगह पे, हम कंडीशंस को इमेजिन करते हैं. तो इमेजिन क्या किया, इफ आई वर यू आई डैश ईट दैट. तो ये पास्ट में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया जब इफ क्लॉज आपका किस में होता है, सिंपल पास्ट में होता है, तो मेन क्लॉज में हम क्या लगाते हैं, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहां पर क्या आ जाएगा, वुडंट ईट दैट, ऑप्शन नंबर ए. डन. सेकेंड क्वेश्चन, इफ आई हैड वॉन द लॉटरी आई डैश बॉट अ कार. ये सेंटेंस हमने, इस तरह का सेंटेंस हमने कल भी किया था, और इसी तरह का सेंटेंस हम लोग आज भी कर रहे हैं. वही चीज है, जब आपका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, वुड, क्योंकि पास्ट में है, परफेक्ट है तो हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ क्या आ जाएगा, वुड हैव बॉट अ कार. आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन 14 ए, क्वेश्चन 15 ऑप्शन सी. वेरी गुड. आई मस्ट से कि आप लोगों को मोडल्स अच्छे से आते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं, है ना. तो इट्स गुड, एंड आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अच्छे से कर रहे हैं, तो एग्जाम में भी अच्छे से कर ही लोगे. चलो आगे देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन 16 एंड 17, 16 इज अ ब्लैंक एंड क्वेश्चन नंबर 17
एरर डिटेक्शन, चार सेंटेंस दिए हैं, यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मिल रहा है यहाँ पर। देखो क्या है, इफ आई डैश यू आई वुड फॉरगिव यू। अब यहाँ पे अगेन वही इमेजिनरी सेंटेंसेस जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। अब जब हम खुद को किसी की जगह पे इमेजिन करते हैं, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर यू, इफ आई वर शी, इफ आई वर ही, तो हम आई के साथ जनरली तो वॉज लगाते हैं, बट इस तरह की इमेजिनेशन के केस में हम आई के साथ या कोई भी हमें सब्जेक्ट दिया है, हम उसके साथ हमेशा हमेशा वर लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ आई वर यू, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हाँ इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप लोग देखो मेरे यूट्यूब पे सीरीज भी होगी प्रीवियस ईयर्स, JKSS पे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की, तो मैंने इसी तरह के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस प्लेलिस्ट मिलेगी, अगर आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखी है, वहां पर मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करवा रखे हैं आप लोगों को, तो चेक करो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे कैसे आए, यू विल सी कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस का आंसर मिल रहा है, कुछ का कहना है बी, कुछ का कहना है सी। चलो हम रीड करते हैं पहले क्या बोला है। दे डेयर नॉट आस्क टू एनी फर्दर लोन, दे डेयर नॉट आस्क टू एनी, दे डेयर नॉट आस्क फॉर एनी फर्दर लोन, दे डेयर नॉट आस्किंग फॉर एनी फर्दर लोन, दे डेयर नॉट टू आस्क फॉर एनी फर्दर लोन। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, जब हम सेंटेंस में डेयर नॉट लगाते हैं, ठीक है, जब हम सेंटेंस में डेयर नॉट लगाते हैं, तो डेयर नॉट के बाद टू नहीं लगता, क्योंकि डेयर नॉट हम कंसीडर करते हैं एज अ मोडल वर्ब, ठीक है। और जब भी हम मोडल वर्ब लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेयर नॉट एक मोडल वर्ब है, डेयर मतलब हिम्मत, करेज, डेयर नॉट मतलब हिम्मत कैसे नहीं हुई है, हिम्मत नहीं हुई, वट एवर, तो इसके बाद हम टू नहीं लगा सकते, क्योंकि मोडल वर्ब के बाद हम डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ दी है, दे डेयर नॉट आस्क टू, नहीं आस्क टू तो नहीं होगा, दे डेयर नॉट और डेयर नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आस्क फॉर एनी फर्दर लोन, किसी चीज के लिए पूछना या बोलना इज आस्क फॉर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा डेयर नॉट के बाद टू नहीं आता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, हमें किसी भी मोडल वर्ब के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यहां तक सबको क्लियर हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, अगेन ऑन सेंटेंस करेक्शन। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो बताओ ये आसान है, अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी है, सब लोग इसका आंसर दे सकते हो। Very good. Everyone is saying that the correct answer is option number C. So let's see correct answer क्या होना चाहिए. Choose the grammatically correct sentence. Work hard lest you will, you would, you should or you shall. तो work hard lest हमें पता है should ही लगेगा क्योंकि lest is always followed by should. Option number C is the correct answer. ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और इस तरह के क्वेश्चंस करवाने का हमेशा मेरा मोटिव यही होता है, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं कहती कि जो स्टेटमेंट्स जो सेंटेंसेस मैं आपको करवा रही हूँ वही एग्जैक्टली सेंटेंस में आएंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, बट यस यही सिमिलर पैटर्न, इसी तरीके का लेवल, इसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चंस आपको और अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पैटर्न विल बी सिमिलर, पैटर्न ही प्रैक्टिस करना हमें एट द एंड।
तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाता है। अब कल मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड्स करवाए थे, तो अगेन मैं आज भी आप लोगों को कुछ वर्ड्स करवा रही हूँ। अच्छा वन सेकेंड, अच्छा ये पुराना है इसे छोड़ दो, यहाँ पर है आपके वर्ड्स, ठीक है। ये हैं आपके फोर वर्ड्स जो मुझे आज की क्लास में आपको करवाने हैं, एंड आई होप जो कल के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे वो आपको याद होंगे, कल के क्वेश्चंस एज इन जो कल मैंने आपको वर्ड्स करवाए थे। इफ नॉट तो वर्ड्स को पढ़ना या प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पहला वर्ड जो मैं आपको करवा रही हूँ दैट इज मकी, MURKY, इट इज मकी। मकी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी, ग्लूमी मतलब धुंधला, जब कोई चीज हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती है, नॉट क्लियरली सीन, नॉट क्लियरली विजिबल, धुंधली होती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मकी, MURKY, विच मीन्स धुंधला। यहाँ पर मीनिंग देखिए है, इट इज ड्रेरी, ग्लूमी, और अपोजिट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर, ब्लाइट, ल्यूमिनस, ये इसके अपोजिट्स हो गए। सेकेंड वर्ड इज वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वैंडलिज्म मतलब किसी चीज को पूरी तरीके से तबाह करना, पूरी तरीके से डैमेज कर देना, डिवेस्टेट कर देना, उसके लिए हम लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वैंडलिज्म, ठीक है। बर्बाद कर देना इज लाइक, तो मैलिशियस मिसचीफ, डिवेस्टेशन, डिविलरी, डैमेज, डिस्ट्रक्शन, आप कोई भी वर्ड यूज करो, इट स्टैंड एज द सिनोनिम ऑफ वैंडलिज्म वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। मैम रिप्लाई किया करो प्लीज। अदनान विल यू प्लीज आस्क, आपने क्या पूछा है? क्या कल भी क्लास होगी? कल अगर क्लास होगी तो आज शाम तक आपका स्केड्यूल यूट्यूब पर ही लग जाएगा, जैसे आपका पहले ही यूट्यूब पर प्रीमियर लग जाता है, शेड्यूल आपका पहले ही आ जाता है। तो अगर कल क्लास हुई तो आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आपका यूट्यूब पर शेड्यूल आ जाएगा, इफ नॉट तो मंडे का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा थर्ड वर्ड इज इम्यूलेटेड। इम्यूलेटेड का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, इमिटेट करना, ठीक है, लाइक डुप्लीकेट, उसी चीज का सिमिलर कॉपी करके बनाना, दैट इज इम्यूलेट। इमिटेट, कॉपी, मिरर, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। लास्ट वर्ड इज स्कफिंग, स्कफलिंग, सॉरी स्कफलिंग। स्कफलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना, हाथापाई करना, लड़ाई करना, फाइट, कॉम्बैट, ये सारे इसके हो गए वर्ड्स, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स जो मैंने आपको आज करवाने थे। जेके एस एस बी, वैंडलिंग अवर फ्यूचर एंड जस्ट अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम अस। चलो फाइन, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे। अब मुझे एक बात सब लोग बताओ, यहाँ पर एक बात मुझे सब लोग बताओ, जो कल का हमारा टॉपिक होगा, टुमोरोज टॉपिक, जो हमारी नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं? बताओ मुझे नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन से टॉपिक पर आपको रिवीजन करवाई जाए, जो आपको लगता है आपका वीक है, आपको पहले पढ़ना है। तो सब लोग कमेंट करो, आई विल सी कि कौन सा हमारा मेजॉरिटी क्या बोलती है, अकॉर्डिंगली हम लोग क्लास लेंगे। जल्दी से बता दो। कंप्यूटर की पीडीएफ नहीं दी, कब तक दोगे? कंप्यूटर की पल्लवी, आप कौन सी पीडीएफ्स की बात कर रहे हो, एक बार मुझे बता दो। आई गेस टेलीग्राम पे आपको सब मिल जाएंगी, इफ नॉट ऑन टेलीग्राम तो आपको ऐप पर स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगी। प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, ऑल राइट। तो यहाँ पर मेजॉरिटी का कहना है प्रेपोजिशंस, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव शिवांगी इज नॉट इन द सिलेबस, ठीक है, और ना ही JKSSB के, इवन JKPSI या JKSSB के कोई एग्जाम में मैंने देखा है इस पे से आपको क्वेश्चंस आए हैं। ओके, इंश्योर मोर क्वेश्चंस ऑन प्रेपोजिशंस, तो डन। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो प्रेपोजिशंस पर होगा, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आज तो हमने कम क्वेश्चंस किए हैं, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो डू रिवाइज दिस टॉपिक, नेक्स्ट क्लास आपका इसी टॉपिक पे होगा। ऑल राइट एवरीबॉडी, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। जिसको क्लास का टाइमिंग नहीं पता है, क्लास की टाइमिंग होती है 4 बजे, 4 बजे आपकी मेरी इंग्लिश की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसी के साथ अगर आप में से कोई भी ऐसा है
जिसको मेरा कंप्लीट कोर्स खरीदना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी ऑफ यू वॉन्ट्स कि आपको फुल इंग्लिश अच्छे से समझना है, ऑल द प्रैक्टिस सेट्स, ऑल द नोट्स, ऑल द यू नो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड कंप्यूटर अच्छे से फ्रॉम डेप्थ पढ़ना है फॉर JKSSB और एनी अदर एग्जाम्स, तो गो टू अवर ऐप. आपको हमारे ऐप पर जाना है. 300 या 400 में आपको मेरे सिंगल सब्जेक्ट कोर्सेज वहां पर मिलेंगे. आप वहां पर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो यू विल गेट ऑफ, आपको डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा. सो दैट्स इट. टेक केयर एवरीबडी. बाय बाय.